हेलो फैमिली, सभी को राम राम, बच्चों को प्यार। तो आज है मंगलवार। एक्चुअली क्या है, मंगलवार को ना छुट्टी होती है मेरी, तो इसका ना मैंने लगवाने जाना है, ऐसे इसको नहीं ना है गाइस। इसको इंजेक्शन लगवाने जाना है। स्कूल से मैसेज आ रहा है, अब जो सरकार ने गवर्नमेंट ने चालू कर दिया है, 12 साल के बच्चे को भी लगेगा, तो इसकी उम्र 12 साल है, तो इसको भी मैंने लगवाना है इंजेक्शन। एक्चुअली मैं बुक कर रहा हूँ तो बुक हो नहीं रही है, तो इसका आधार कार्ड लेके जाऊँगा, जहाँ मैंने लगवाई थी ना वहाँ लेके जाऊँगा इसको। अगर लग जाएगी तो लगवा के ज़रूर आऊँगा, क्योंकि तो स्कूल में रोज़ मैसेज आ रहे हैं इसके कि वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भेजो, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भेजो। तो बस अभी बस फटाफट रेडी हो रहा हूँ, नहाऊंगा धोऊंगा, क्योंकि इसको खाली पेट नहीं लेके जाऊँगा। खाली पेट लेके जाऊँगा तो दिक्कत होगी, वो इंजेक्शन लगाएंगे ही नहीं, जब तो कुछ पेट में होगा नहीं तो वैसे इंजेक्शन लगवाएंगे नहीं। तो इसको भी नहलाता हूँ फटाफट, नाश्ता करवाता हूँ, तो इसको लेके जाता हूँ। तो नहा धो के हो गया हूँ रेडी, ये भी हो गया रेडी, और लेकिन वो वहाँ बैठा हुआ है अभी, और कितना ही है लड़का, बन रहा है हमारा नाश्ता। महक बना रही है, और महक कह रही है क्या है, ब्रश नहीं करता ये, हैं अच्छा ब्रश नहीं करता ये, ब्रश नहीं अभी करता, क्या है सब बिना ब्रश के अभी क्या कर नाश्ता रहा है, मांगता है, हैं अभी क्या कर रहा हूँ मैं, बिना ब्रश अभी के क्या नाश्ता कर रहा मांगता है ये, ये अभी बिना ब्रश के नाश्ता मांग, क्या कर रहा हूँ मतलब इसको भूख लग रही है तो मुझे नाश्ता दो, मैं नाश्ता करते हैं फटाफट, इसको लेके जाऊंगा, देखता हूँ जरा इसका इंजेक्शन लग जाएगा तो बढ़िया है। मैं आधार कार्ड पे लेके जाऊंगा इसका, लगवाया जाता हूँ, देखता हूँ लग जाएगा तो। बस रेडी हो गए, अब लगवाने जा रहा हूँ इसको इंजेक्शन, देखता हूँ अभी वो लगाते हैं नहीं लगाते, बाकी देखते हैं हमारे ओरी कहीं कौन से कोने में घुसे हो, का हुआ, हाँ का हुआ, कहना मामा, कहना मेरा मामा, एक लोग साइड में ग्रिल में बैठे होते ना तो उनको आवाज नहीं सुनाई दे रही। ओरी गंडी वो भाग गए, तनु ऊपर भाग गए, ओ दोनों भाग गए। बस ये देखिए मेरे अपना नाश्ता, ये रे पापा का अभी हाथ अभी सही नहीं हुआ है, अभी पट्टी बंधी है, कल तो थोड़ी सूजन आ रखी है ना, सूजन तो उसकी वजह से थोड़ी पट्टी बंध रही है हाथ में। अभी पापा गाड़ी साफ कर रहे हैं, मैंने इसको कल ही साफ की थी, रात रात में देखो कितनी मिट्टी जम गई, और इसमें बहुत मिट्टी जम गई है देखो, और पापा जम के साफ कर रहे हैं, पापा आ चुके हैं, हम पहुंच गए फाइनली, संतरी आ गई। तो भाई हमने भी पता करना है कि वो बिना बुक करे लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हम बिना बुक करे जा रहे हैं, क्योंकि वो हो ही नहीं रही है बुक, इसलिए हुई है। बदल को ले जा रहा हूँ ऊपर, हो गया है उसका इंजेक्शन लग रहा है अंदर, उन्होंने मेरे को बाहर बिठा दिया है कि अंदर जाने नहीं, तो इसको लग गई है वैक्सीन। ये देखिए ये आ गया, ये कहाँ लगी, ये सुई का निशान है इसका, दर्द हो रही है इसको बहुत, दवाई भी मिल गई आज के हाथ में, तो वैक्सीनेशन तो हो गया इसकी, तो अब इसको थोड़ी देर बिठाया है, अब इसको थोड़ी देर बिठाएंगे, फिर देखेंगे कोई बुखार वगैरह तो नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, तो इसको तब भेजेंगे। अब जा रहे हैं हम घर, ये आ गया तनु को दे दिया छुट्टी। हाँ भाई लो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, दर्द हो रही है, तो ये देखो भैया ये आ गया, किरत इससे जानकारी ले रहा पूरी, कितना दर्द हुआ कितना दर्द नहीं हुआ, लेकिन इसके तभी नहीं हो रहा, अभी तो तू कह रहा था दर्द हो रहा है, बस थोड़ा थोड़ा हो रहा है, इंजेक्शन लगा है, और इसको मिली है ताकत की दवाई, ये देखो जी, ओ भाई मां, ये इसकी ताकत की दवाई, एक चम्मच रोज, तो इसमें तो हमें एक जूस की बोतल मिली थी छोटी सी, ताकत की दवाई है, वो पियेंगे हम, वो ये पियेंगे फाइनली। चलो वैक्सीनेटेड हो गया है, अब इसका सर्टिफिकेट निकाल के इसके स्कूल में भेज दूंगा। तो लाइट गई है, चली लाइट चली गई हमारे यहाँ की, अभी कोई काम चल रहा होगा ना इसलिए लाइट चली गई, तो ये देखो सारे बाहर बैठे हुए हैं, ये सेव बड़ा उसके आगे रख के चला गया, पागल है क्या, इतना सारा तो पागल है, क्या रखा है ये, पूरा एक सेब का इतना बड़ा सेब का टुकड़ा, देखो और क्या आगे रख के आ गया, ये बड़ा हो रही है बड़ा। तो भाई टाइम हो गया रोटी का, बज गई है 3, लग रही है भूख, तो अब देखो ये इंजेक्शन लगा है ना तो ये ठीक है, अब कोई बुखार नहीं चढ़ा है इसको, कोई नहीं चढ़ा, ये भी रोटी खा रहा है, हम भी रोटी खा रहे हैं, भूख लग रही है, बनाई आज इसने आलू शिमला मिर्च रहता, तो आज खाएंगे रोटी, और ये तो ये वैक्सीन लगा के आया ना, इसको बनाना शेक बना के दिया है, बनाना शेक इंजेक्शन लगा के आया, तो इसकी माँ ने बना कमजोरी ना इसलिए है, खाली उसके लिए बना के दिया है, अच्छा यानी ये
छोटे लाल का मन नहीं है अभी। अच्छा, वो देखो ताकत ले रहा है, वो रोटी खाते हुए वो ताकत ले रहा है। ये देखो ये देखो ये, ये तो ये देखिए, जैसे उसके लिए पहले उसने मना कर दिया कि मैं नहीं पीऊंगा, उसने उसने पिया तो अभी उसका भी दिल कर रहा है, तो नेचुरल बात है इसके लिए भी बनेगा। हाँ बनेगा तो दोनों के लिए बनेगा। जग वगैरह सब धो दिए थे तो माँ का प्यारा है ना ये किरत है। हाँ। लाड़ ला तेरा आपको इसको मैंने एक सेकंड में बोला, एक सेकंड में जग निकला बना दिया, मिक्सी निकली बना भी दिया। देखो गाइस हाँ भाई, यानी उसके बारे में इतने न करे, इसके बारे में एक मिनट में। ये देखो जी ये इंजेक्शन उसको लगा है, और ये देखो मजे लूट सब रहे हैं। अभी ये इनकी डिमांड दूसरी आ गई है, और वंश गया ट्यूशन, और ये कुछ कह रहा है, कुछ कहना चाहता बोलो। नाइस भी नहीं है। है? नाइस भी नहीं है क्यों? गला खराब करना है, गला खराब करने वाली आती है कोई। तो ये देखो जी ये ले आए नाइस, इसे कहते हैं ये नाइस, ये गंद का बड़ा खाना होता है। इसने 2 रुपए की आती है। इस बार गला खराब हो गया ना, एक जब तो खांसी जुकाम हो गया, दवाई नहीं दिलवाऊंगी तो मैं ये नाइस खिलाऊंगी। देख अभी वंशाई गाड़ी मोड़ रहे हैं, देखो कहाँ जा रहे हो? हैवी ड्राइवर, कहाँ जा रहे हो? प्रसाद लेने। आज है मंगलवार तो गाइस इसलिए हम जा रहे हैं प्रसाद लेने, तो चलो गाइस चलते हैं। अभी वंशाई उतार रहे हैं चढ़ाई, तो गाइस तो गाइस अभी हम चढ़ने जा रहे हैं प्रसाद। आओ चलते हैं मंदिर। क्या कहा जाना है? अच्छा बता तो दे, मैं लेके चलूं? कौन लेके जा रहा, चाचू या मैं? चल चलते हैं चुके हैं घर। हाँ भाई क्या क्या हुआ जी? तो ये देखो भाइयों टाइम हो गया रोटी खाने का, आज बने हैं राजमा चावल। तो ये देखो इसको भी भूख लग रही है, और ये राजमा चावल बने हैं। तो भाई साहब ये सुबह से लेके अभी तक इसके मुंह पे यही है, साइकिल दिला दो साइकिल दिला दो साइकिल दिला दो। एक्चुअली क्या है, तन्नु के पास साइकिल है, और मेरी बाइक वंश भी चला लेता है, और ये भी थोड़ी बहुत चला ही लेता है। तो ये रोता है, ये किरत खेल रहा है उनके साथ। क्या कर रहा है किरत? किसको मार रहा है? तो भैया रोटी खा ली है हमने, बस अब तैयारी हो गई है सोने की। बच्चे बाहर बैठे हैं बड़ी मम्मी के कमरे में, और महक भी थोड़ा कपड़े उतार दिए बाहर से। तो हम आपको मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। ओके बाय।